नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हरि ओम। मित्रों, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, आप विजयदशमी तो जरूर मनाते होंगे, जिसमें बुराई पर अच्छाई का प्रतीक बताया जाता है, यानी कि रावण को बुराई का प्रतीक माना जाता है और भगवान राम को अच्छाई का प्रतीक माना जाता है, इसलिए बुराई पर अच्छाई का जीत विजयदशमी के दिन रावण के दहन के साथ मनाया जाता है, यानी कि रावण के पुतले को जलाया जाता है। लेकिन कई जगह रावण के पुतले को नहीं जलाया जाता, इसे विसर्जित किया जाता है। रावण बहुत ही बड़ा विद्वान था, बहुत ही ज़्यादा प्रखंड विद्वान और पंडित भी था। तो रावण ने स्त्री जाति के बारे में कुछ 8 अवगुण बातें बताए हैं, जिसका जिक्र वाल्मीकि रामायण में तो नहीं मिलता, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी की रामचरितमानस में मिलता है और ये सिद्ध भी हो चुका है। और स्त्री जाति में हमने खुद देखे हैं ये 8 अवगुण बिल्कुल ही पाए जाते हैं। तो यह 8 अवगुण क्या है, आइए वीडियो में विस्तार से जानते हैं। अगर किसी के दिल को ठोस लगे तो क्षमा चाहूँगा, क्योंकि यह अवगुण 8 स्त्रियों जाति में जो रावण ने बताए हैं वह बिल्कुल ही सही बोले हैं और यह हमने बहुत ही स्त्रियों में देखे भी हैं। रावण कहते हैं कि महिलाएं साहसी तो होती हैं, लेकिन अक्सर अपने बल का प्रयोग कर बैठती हैं। साहस होने के साथ वो घमंड दिखाते, अपने बल का प्रयोग कर बैठती हैं। और रावण ये भी बताते हैं कि झूठ बोलती हैं छोटी छोटी बात पर। जी हाँ, अक्सर झूठ बोलती हैं, क्योंकि वो कोमल हृदय वाली होती हैं लड़की अक्सर, महिलाएं अक्सर, इसलिए वो छोटे छोटे बात पर झूठ बोलती हैं। और अक्सर अपनों की बात छुपाने के लिए झूठ बोलने के कारण कई बुराई का कारण भी वह बन जाती हैं। अस्थिर और चंचल, महिलाएं अस्थिर विचारधारा और चंचल चित्त वाली होती हैं, इसलिए उनके मन को समझ पाना बहुत ही मुश्किल होता है। इसके बाद रावण बताते हैं महिलाएं स्वार्थी और मायावी होती हैं। जी हाँ, महिलाएं स्वार्थी और जिद्दी होती हैं और अपने जिद को पूरा करने के लिए वे कहानियाँ गढ़ते हैं और उसी कहानियाँ में स्वयं फंस जाती हैं। इसके बाद बताते हैं छोटी छोटी बात पर घबरा जाती हैं। जी हाँ, महिलाएं साहसी तो होती हैं, लेकिन विकट परिस्थिति आते ही बहुत ही जल्दी वो जो है घबरा जाती हैं। इसके बाद कहते हैं महिलाएं मूर्ख होती हैं। जी हाँ, महिलाएं मूर्ख होती हैं, इसलिए अक्सर भावेश में आ करके वे गलत फैसले ले लेती हैं, जिसका एहसास उन्हें बहुत देर में होता है, बाद में उन्हें नुकसान होता है। इसके बाद यह बताते हैं कि दया नहीं दिखाती। जी हाँ, वैसे तो महिलाएं कोमल हृदय वाले होती हैं, लेकिन अगर कोई एक बार उनकी नज़र से उतर जाए तो उसे आसानी से माफ़ नहीं करती, यानी कि दया नहीं दिखाती। इसके बाद बताते हैं रावण की अपवित्र होती हैं। जी हाँ, रावण के मुताबिक महिलाएं भले ही कपड़ों से गहनों से खुद को सजा ले, लेकिन दिल से वे अपवित्र होती हैं, वे साफ सफाई का ध्यान नहीं रखती, इस कारण रावण ने महिलाओं को अपवित्र कहा है। और क्षमा चाहूँगा, ये जितने भी 8 अवगुण बताए हूँ ये हर महिलाओं में नहीं होती, लेकिन कुछ कुछ महिलाओं में आज भी हमने देखे हैं। आशा करता हूँ रावण के द्वारा बताया गया ये 8 अवगुण आप सभी को जरूर पसंद आया होगा। मित्रों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हरि ओम।